हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म हम फैब्रिकेशन कैसे करते हैं और इरेक्शन कैसे करते हैं ड्राइंग देख करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इरेक्शन का ड्राइंग है और ये जो ड्राइंग है ये फैब्रिकेशन का ड्राइंग है, दो अलग अलग ड्राइंग है। तो हम देखेंगे कि फैब्रिकेशन कैसे करते हैं और इरेक्शन कैसे करते हैं, कॉलम कैसे लगाते हैं देख करके कि कॉलम कहाँ पर आ रहा है, कौन सा कॉलम कहाँ पर लगेगा, कौन सा बीम कहाँ पर लगेगा, ये सब हम कैसे लगाएंगे, इसको कैसे हम ढूंढेंगे, एक एक कॉलम को कैसे हम पोजीशन पर ले जा करके खड़ा करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है बेस प्लेट लेआउट, जहाँ पर ये कॉलम खड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे साइड से, देखिए ये प्लेटफॉर्म का साइड व्यू यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये कॉलम खड़ा हो रहा है, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, यहाँ पर ये रेलिंग लग रहा है, देख सकते हैं ये इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म हो गया और इस कॉलम का नंबर दिया गया है CL204 और इस कॉलम का नंबर दिया गया है CL205 और इस कॉलम का नंबर दिया गया है CL206 और ये वाले कॉलम का भी नंबर दिया गया है CL206, दोनों सेम ही है। तो ये जो अलग अलग नंबर दिया गया है और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, साइड व्यू फ्रेमिंग एलिवेशन ग्रिड ए, यानी कि हम ए सेक्शन का व्यू देख रहे हैं और उसका नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर अगर आप ये टॉप व्यू दे रहा है उसी का, देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया, कितने एलिवेशन का ये टॉप व्यू दिखा रहा है, यहाँ पर 12 मीटर 250 का ये एलिवेशन व्यू दिखा रहा है, ये टॉप व्यू। तो ये वही चीज़ है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक है ग्रिड ए लिखा गया था, ये वहीं का व्यू दिखा रहा है, यानी कि जो 2 नंबर का जो कॉलम रहेगा वो यहाँ पर आकर के लगेगा। जैसे कि ये वाला जो कॉलम है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर जो लिखा गया है तो आकर के क्या होगा कि यहाँ पर लगेगा 2 नंबर वाले पे, और 3 नंबर वाला कॉलम आकर के यहाँ पर लगेगा, 4 नंबर वाला यहाँ पर लगेगा, 5 नंबर वाला यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर ग्रिड ए का व्यू हम यहाँ पर ये देख रहे थे, ए यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर ए यहाँ पर लिखा गया, यानी कि इस साइड से यानी कि अंदर से व्यू दिखा रहा है। इसका एक और जो है ये प्लान बेस प्लेट का लेआउट जो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पर लिखा गया ए, यानी कि इस तरफ से व्यू दिया गया है कि जो 2 वाला जो कॉलम है आकर के यहाँ पर लगेगा, 3 वाला यहाँ पर लगेगा, वैसे ही इसका सेम वैसे ही रहेगा, उसमें बी लिखा हुआ रहेगा, उसका भी नंबर रहेगा इसका 2 ही रहेगा, लेकिन उसमें जो रहेगा ये बी रहेगा। अगर इस कॉलम का रिएक्शन जब आप करेंगे तो उसमें बी रहेगा लेकिन नंबर यही रहेगा, इस कॉलम का नंबर रहेगा B5 और इस कॉलम का नंबर रहेगा A5, वैसे ही इस कॉलम का नंबर रहेगा B4 और ये कॉलम का नंबर रहेगा A4 और इस कॉलम का नंबर रहेगा B3 और इस कॉलम का नंबर रहेगा A3 और ये वाले कॉलम का नंबर रहेगा A2 और ये कॉलम का नंबर रहेगा B2। इस तरीका से आपको कॉलम का नंबर देखना है। अब एक कॉलम सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, उसका नंबर यही वाला रहेगा यहाँ पर जो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ग्रेडर जो है चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, इसका नाम जो होगा सी हो जाएगा, C1 हो जाएगा, इस कॉलम का जो नाम होगा वो C1 हो जाएगा। तो उसका अलग से दिया रहेगा या फिर अलग या फिर उसी में रहेगा, तो हम देखते हैं। जब हम यहाँ पर टॉप से देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीक़ा से उसमें बीम भी इस तरीक़ा से लगेगा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में सब बीम का नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कितने नंबर का बीम यहाँ से यहाँ पर लग रहा है उतने एलिवेशन पे, ये सब इस तरीक़ा से बीम लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रेटिंग जाली भी रहेगा, यहाँ पर ग्रेटिंग आएगा, यानी कि जहाँ पर प्लेटफॉर्म बन रहा है वहाँ का ये एलिवेशन है। अगर हम इसमें अगर नीचे आते हैं और देखें यहाँ पर, तो हमने देखा यहाँ पर ग्रिड ए का सेक्शन का व्यू हमने ये देखा, तो देख सकते 5 तक ये हमने नंबर देख लिया। अब मान लीजिए कि हमको ये वाला कॉलम को ढूंढना है और इसको ला करके यहाँ पर इरेक्शन करना है, देखिए यहाँ पर नंबर लिखा गया CL04। तो फैब्रिकेशन ड्राइंग में हम देखेंगे कि वो कौन सा ड्राइंग है, देखिए यहाँ पर मिल गया CL204। तो इस तरीका से ये जो है कॉलम का आपका डिज़ाइन मिल जाएगा, किस तरीका का ये कॉलम रहेगा, ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया साइड व्यू, इसमें इस तरीका से एक गैस प्लेट लगा हुआ रहेगा देख सकते हैं, और नीचे में एक बेस प्लेट लगा हुआ है और ये आई बीम है। यहाँ पर जो डॉट डॉट जो दिया गया है इसके साथ जो बीम आकर के जो जुड़ेगा उसी का यहाँ पर ये डॉट दिया गया है, तो इसमें वो नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये बीम ले जा करके इस बीम के ऊपर नंबर ये लिखा हुआ रहेगा CL204P, तो उसको ले जा करके आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर लगाना है CL204 जहाँ पर ये लिखा गया है। तो ये कहाँ पर लग रहा है,
तो हमने जो आपको बताया कि हमें ये ग्रिड ए में जाना है, तो हम आ गए ग्रिड ए में और वो दे रहा था दो नंबर कॉलम, तो यहाँ पर ये लगेगा। अब हम बेस प्लेट का व्यू देखेंगे, देखिए यहाँ पर दो नंबर के सामने यहाँ पर ला करके इसको इरेक्शन कर देना है। सेम वैसे ही लास्ट वाला एक देखिए यहाँ पर जो नंबर है CL206, तो देख सकते हैं यहाँ पर CL206 आ गया ये कॉलम, ये जो लगेगा लास्ट वाला का है, तो इसको हम ले जाकर वहाँ पर इरेक्शन करेंगे। इसमें देखिए ये फ्रंट भी हो गया, ये साइड भी हो गया, नीचे में भी एक गैसेट प्लेट रहेगा और बीच में एक गैसेट प्लेट रहेगा। यहाँ पर का ये व्यू यहाँ इस तरफ दिखा रहा है और इसका टॉप व्यू यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं बेस प्लेट में इस तरीका से ये आई बीम रहेगा और इसमें एक इस तरीका से ये वाला जो गैसेट प्लेट लगा हुआ है इस तरीका से रहेगा, जैसे यहाँ पर डिजाइन में आपको दिख रहा है। तो इसी डिजाइन का देख लेंगे कि वो कौन सा बीम है और उसमें ये नंबर कंफर्म कर लेंगे, CL206 लिखा है, तो इसको ला करके हम क्या करेंगे यहाँ पर इरेक्शन करेंगे ग्रिड ए कॉलम नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए ग्रिड ए और कॉलम नंबर 5 वो आ करके यहाँ पर इरेक्शन होगा और यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है ग्रिड ए कॉलम नंबर 5, यहाँ पर आकर के बीपी यानी कि बेस प्लेट 1 यहाँ पर आकर के बोल्टिंग होगा। इसी तरीक़े से हम ग्रिड बी का अब हम देखेंगे, ये इरेक्शन वाले में ग्रिड बी का कहाँ पर है वो अब हम देखते हैं। तो ये हमने ए का देख लिया, उसी तरीक़े से अब बीच में का दोनों कॉलम इरेक्शन करेंगे। उसी तरीक़े से ये सब जो एंगल जो लगा हुआ है, ये एंगल का जो नंबर यहाँ पर दिया गया है वो नंबर आप नोट करेंगे। देखिए वो एंगल आ गया जिस नंबर का हमें एंगल खोजना था, देखिए यहाँ पर ये एंगल आ गया, तो एंगल क्या साइज है, कितना बोल्टिंग है, कितना होल है, इसमें सब कुछ दिया गया है यहाँ पर जो यहाँ पर ब्रेसिंग में यहाँ पर जो लगाना है। इसी तरीक़े से जैसे मान लीजिए कि अब हमें ग्रिड बी का अब हमें ढूंढना है, तो ये देखिए इसी का जो साइड व्यू, इसका साइड व्यू यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि ये जो कॉलम खड़ा हुआ है ग्रिडर ए और ग्रिड बी के तरफ का ये दिखा रहा है और ये ए के तरफ का दिखा रहा है, कि इस तरह से ये कॉलम रहेगा। मेन कॉलम ये है जहाँ नीचे से जा रहा है और ऊपर में जा करके इस तरीके से प्लेटफॉर्म बन जा रहा है और फिर वहाँ से इस तरीके से कॉलम ऊपर की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं इस डिज़ाइन में ये रहेगा, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का व्यू दे रहा है। देख सकते हैं मेन कॉलम पहले आ रहा है यहाँ से और यहाँ पर आने के बाद बाहर निकल जा रहा है दोनों तरफ और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर में कॉलम आएगा, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का डिजाइन है। मेन कॉलम यहाँ पर है और बाहर निकल रहा है इधर, इतना दोनों तरफ बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये बाहर निकल रहा है मेन कॉलम से थोड़ा थोड़ा, इसमें ब्रेसिंग लगा हुआ है। तो नीचे के कॉलम का देखेंगे कि कितना नंबर है, CL04 लिख रहा है और ऊपर का जो कॉलम है उसका नंबर है CL200 है, तो वो देखेंगे कि CL200 कौन सा कॉलम है, वो इसमें नीचे में बेस प्लेट नहीं रहेगा, सिर्फ बोल्टिंग सिस्टम रहेगा उसमें। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये CL200 आ गया, तो इस तरीका का वो कॉलम रहेगा जो ऊपर से बोल्टिंग हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर होल सिस्टम दिया गया है, बीच में यहाँ पर स्टिपनर और प्लेट लग रहा है, ये जो बीच का जो प्लेट है ऐसे बाहर निकला हुआ रहेगा और बीच में एक स्टिपनर दो ठो लगा हुआ है, यहाँ पर भी दो ठो प्लेट लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए ऊपर में एक प्लेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो डिजाइन एक बन रहा है उसका यहाँ पर साइड व्यू से देखेंगे थोड़ा सा बाहर प्लेट निकल रहा है, यहाँ पर जो साइड में एक प्लेट जो लग रहा है इसका जो नंबर है P5BS, यानी कि बोथ साइड यानी कि दोनों साइड रहेगा, जो प्लेट इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहेगा, जो फ्लैंच है फ्लैंच में ही ये लगा हुआ है, दो ठो प्लेट है यहीं पर लगा हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब इसको साइड व्यू यहाँ पर आप देखते हैं देखिए ये प्लेट बाहर निकला हुआ है, ये प्लेट का जो नंबर है P5 दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर भी P5 है, यहाँ पर भी लिखा गया P5 बोथ साइड यानी कि दोनों साइड यहाँ पर प्लेट रहेगा, एक ही फ्लैंच में रहेगा इधर वाले में नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर ये डिजाइन दिया गया है। उसके बाद इसी में यहाँ पर एक स्टिपनर प्लेट और एक यहाँ पर दोनों साइड में लग रहा है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका टॉप व्यू दिया गया है, जो स्टिपनर यहाँ पर लग रहा है वो इस डिजाइन में स्टिपनर रहेगा, देख सकते हैं एक तरफ चौड़ा रहेगा और एक तरफ आकर के ऐसे क्रॉस में बना रहेगा। जो प्लेट लग रहा है ये वाला, वो देखिए यहाँ पर प्लेट बाहर थोड़ा सा निकल रहा है जिसका डायमेंशन सिर्फ 50 mm है, ये 50 mm बाहर एक प्लेट लग रहा है, देख सकते हैं, और उसका जो पूरा हाइट डायमेंशन है वो यहाँ पर लिखा गया है 570 mm का इसका हाइट डायमेंशन है। तो इस तरीके से आप इसको फैब्रिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें जो स्टिपनर प्लेट जो लग रहा है उसका P5 जो नंबर था उसका भी डिजाइन यहीं पर दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर ये दिया गया, इस डिजाइन में इसको कटिंग करना है, दोनों साइड में रेडियस रहेगा और इधर में डिग्री कटिंग रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस बीम को फैब्रिकेशन करना है और ला करके यहाँ ऊपर में इरेक्शन होगा यहाँ पर। तो ये जो व्यू है ग्रिड 2 लिख रहा है, देख सकते हैं ग्रिड 2 लिख रहा है,
ए और बी का, यानी कि ये कहाँ का हो गया, ग्रेड टू हम आपको बता रहे हैं, ए और बी दोनों दिखा रहा था, ए और बी दोनों दिखा रहा था, अब ग्रेड टू यानी कि यहाँ और यहाँ ये दोनों कॉलम का दिखा रहा है, ग्रेड टू लिख रहा है तो ये दोनों कॉलम का यहीं का व्यू वो दिखा रहा है, ग्रेड टू लिखा है देख सकते हैं, तो ये वहीं का व्यू ये दिखा रहा है कि वहाँ पर इस सिस्टम में रहेगा वहाँ पर। अब आप नीचे आते हैं इस तरीक़ा से, तो देखिए यहाँ पर ग्रेड थ्री हो गया, उसके बाद ग्रेड फोर हो गया, ग्रिड फोर और ग्रिड थ्री देख सकते हैं दोनों सेम ही है, जो ग्रिड थ्री और ग्रिड फोर रहेगा वो कहाँ का रहेगा आपको पता चल गया कि ये यहाँ का व्यू है ग्रिड थ्री और ग्रिड फोर यहाँ का व्यू है, और ग्रिड फाइव आएगा एक यहाँ का रहेगा सेम वैसे ही रहेगा देख सकते हैं। अब ये ग्रिड फाइव आ रहा है यहाँ पर, देखिए ग्रिड फाइव लिखा हुआ है, तो इस तरीक़ा से ये जो है बीम आपको लगाना है। कॉलम नंबर दिया गया है CL206206, आप सर्च करेंगे तो आपको ये बीम जो है वो कॉलम जो है इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि ये किस डिज़ाइन में कॉलम है जहाँ पर हमें ला करके वहाँ पर इरेक्शन करना है नीचे वाला। उसके बाद यहाँ पर ये सब स्टेयर केस का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है किस डिज़ाइन में रहेगा, स्टेयर केस का यहाँ पर ST202 नंबर आप सर्च करेंगे ऐसा ही फैब्रिकेशन ड्राइंग में आकर के तो वो भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ST202, तो इस डिज़ाइन में आपको फैब्रिकेशन करना है स्टेयर केस, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितने डायमेंशन लेना है सारा कुछ यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है कितना हाइट है, तो ऐसा लेआउट मार्किंग करके आप इस यहाँ पर सी चैनल को कटिंग करेंगे, जितना ये लेआउट आप जब मार्किंग करेंगे तो आपका डिग्री निकल जाएगा। तो स्टेयर केस को कैसे फैब्रिकेशन करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ, वो सब आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका व्यू यहाँ पर दिया गया ऐसे स्क्वायर यहाँ पर काट करके यहाँ पर व्यू दिखाया गया है, यहाँ पर इस तरीके से सी चैनल जाएगा और इसमें स्टेप जो है इस तरीके से इसमें लगेगा, एक स्टेप से दूसरा स्टेप का जो हाइट है 178 mm रहेगा। इसका साइड व्यू देखने के लिए A1 में हमें जाना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है A1, जो यहाँ पर सी चैनल है यहाँ पर आपको दिख रहा है किस तरीक़ा से यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला सी चैनल है जो एक सी चैनल हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, और जो यहाँ पर जो लगा हुआ है इस तरीक़ा से ये एंगल है, यहाँ पर देखिए एक एंगल आपको इस तरीक़ा से स्ट्रिप लगाना है, और जो ग्रेटिंग होता है इसके ऊपर ग्रेटिंग का जो स्टेप बनेगा वो ग्रेटिंग का रहेगा, इसके ऊपर ग्रेटिंग का स्टेप बनेगा, सिर्फ एंगल लगा करके उस पर ग्रेटिंग का स्टेप बनाया जाएगा। और ये सेक्शन बी कहाँ का व्यू दे रहा है, सेक्शन बी कहाँ पर का व्यू दे रहा है, देखिए यहाँ का व्यू दे रहा है, यहाँ नीचे में जो आकर कैसे डिग्री में नीचे मुड़ रहा है ये उसी का यहाँ पर व्यू है, वहाँ पर एक एंगल रहेगा, वहाँ पर एक बोल्टिंग सिस्टम रहेगा, यहाँ पर बोल्टिंग किया जाएगा, ऊपर में डिग्री कटिंग रहेगा। इसी का टॉप व्यू अगर आप देखते हैं ऊपर से तो ये इस तरीक़े से आपको दिखेगा, यहाँ पर साइड साइड से आपको जो एंगल दिख रहा है ऐसा ही सब एंगल रहेगा स्टेप का, जिसके ऊपर ग्रेटिंग यानी कि जाली वाला जो ग्रेटिंग होता है जो ग्लेमनाइज किया हुआ एक जाली आता है उसी का यहाँ पर स्टेप बना करके उसमें लगेगा। इसमें देखिए ये सब डिग्री में कटिंग करने के लिए इसका लेआउट भी दिया गया है कि कितने डायमेंशन में आपको कटिंग करना है, देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेयर केस का जो चैनल है उसको डिग्री में दिया गया कटिंग करने के लिए लेआउट, देख सकते हैं कितना mm बैक करके कटिंग करना है, वैसे आपको कटिंग करके इसको जोड़ लेना है, देख सकते हैं पूरा यहाँ पर डायमेंशन भी दिया गया है, ग्रुप कटिंग करने के लिए दिया गया है, डिग्री कटिंग करने के लिए दिया गया है, सभी चैनल का एक एक नंबर यहाँ पर देखेंगे कितना इसका नंबर है, तो जैसे कि इसका नंबर है देखिए यहाँ पर M63, इस चैनल का नंबर M63, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया M63 इस चैनल का नंबर है, ये चैनल का नंबर है 1M65, तो इस चैनल का नंबर है N65, तो हम इसको भी वैसा कटिंग करके और सबको एक साथ लगा करके फैब्रिकेशन करेंगे और वहाँ पर इरेक्शन करेंगे और इस तरीक़ा से इरेक्शन किया जाएगा। तो देख सकते हैं सभी का यहाँ पर लेआउट और डायमेंशन भी दिया गया है और किस तरीक़ा से कितने हाइट पर इसको रख करके फिटिंग करना है, आप इस तरीक़ा से लेआउट मार्किंग करके भी फिटिंग कर सकते हैं, लेआउट मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो इधर उधर तो नहीं जा रहा है, बराबर डायमेंशन पर रहेगा, लेआउट मार के ही फिटिंग करना चाहिए कभी भी स्टेयर केस। तो इसी तरीके से हम जो है एक एक चीज़ जो है ढूंढ सकते हैं ड्राइंग में और देख लेंगे कि कहाँ पर ये लग रहा है। अब हमें ये पता करना है कि ये सीढ़ी कहाँ पर लग रहा है, तो देखिए क्या लिखा है, ग्रिड वन लिख रहा है और ऊपर में लिख रहा है ए और बी, ग्रिड वन कहाँ पर आ रहा है अगर हमें दिखाया गया था यहाँ पर बेस प्लेट का सिम्बल यहाँ पर आ रहा है, वन लिखा गया है ए और बी ग्रीडर वन के सामने, यानी कि जो स्टेयर केस रहेगा वो यहीं पर रहेगा, इतना ही दूरी के एरिया में रहेगा, ग्रिड वन लिखा गया था, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिड वन लिखा गया है और ए और बी
दोनों कॉलम के सामने इस तरीका से ये स्टेयरकेस रहेगा ग्रिड वन के कॉलम के पास में, यानी कि उसी कॉलम पे रहेगा। इसी स्टेयरकेस का यहाँ पर टॉप व्यू दिया गया है, देख सकते हैं इस तरीका से ये रहेगा, इस तरीका से ये जाएगा। इसमें अगर आप आगे आते हैं तो इसमें देखिए और क्या चीज़ दिया गया है, ये जो यहाँ पर लिख रहा है फ्रेमिंग प्लान 18 मीटर 235 एमएम टॉस, यानी कि ये टॉप का व्यू दे रहा है, जो हमें सबसे टॉप में अगर हम जाएंगे ये प्लेटफॉर्म के, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमें ये पता चलता है। यहाँ पर सबसे नीचे का ये एलिवेशन हो गया 8 मीटर 100, उसके बाद फिर 12 मीटर पर ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, उसके बाद 15 मीटर पर एक ब्रेसिंग लग रहा है, यानी कि बीम लग रहा है, चाहे एंगल का हो एंगल का ही है। और उसके बाद सबसे टॉप में जो यहाँ पर यानी कि बीम वगैरह जो लग रहा है तो वहाँ पर किस तरीक़ा से लगाना है, 18 मीटर 235 का ये TOS जो लिखा गया है उसी का ये वाला व्यू दे रहा है, 18 मीटर 235 ये टॉप का डिज़ाइन है, किस तरीक़ा से वहाँ पर आपको बीम वगैरह लगाना है। यहाँ पर वही चीज़ है, ये कॉलम नंबर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और इस तरफ आते हैं तो बी कॉलम यहाँ पर आता है, लेकिन हमें ये क्या है कि कॉलम से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मेन कॉलम जो है हमारा यहाँ पर है, आपको ध्यान देना है मेन कॉलम कहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ पर ये सेंटर लाइन जा रहा है यहीं पर मेन कॉलम है हमारा, ये इतना बाहर निकला हुआ है दोनों साइड, ये सेंटर जो लाइनिंग जा रहा है यहीं पर मेन कॉलम है, इतना ये बाहर निकला हुआ है। ये टॉप में इस तरीक़ा से रेडियस टाइप का जो बना हुआ है वो इस तरीक़ा से रहेगा, देख सकते हैं जब ये मेन यहाँ पर जो कॉलम आ रहा है उसमें एक बीम जो ऐसे जुड़ेगा तो जो वर्टिकल में जो कॉलम रहेगा उसमें एक इस तरीके का स्टिफनर लगाना है, ये वहीं का यहाँ पर ये डिज़ाइन ये दिया गया है। ये जो हम व्यू देख रहे हैं अगर हमें इस साइड से देखना है, देखिए यहाँ पर B1 लिखा गया, यानी कि हम इस साइड से जब हम देखते हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हैं, यानी कि इस तरफ भी एक कॉलम आ रहा है यहाँ पर जो निकल रहा है, देख सकते हैं, और वो वही प्लेट यहाँ पर जो दिख रहा है जो मैं आपको पहले थोड़ा देर पहले बताया, जो 50 एमएम का प्लेट बाहर निकल रहा था, एक्स्ट्रा एक प्लेट लग रहा था जो बीम के साइड में, वही वाला ये डिज़ाइन है, टॉप का डिज़ाइन दिया गया है। ये सेक्शन B2 दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ का व्यू दिया गया है इस बीम को कैसे यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर किस तरीक़ा से व्यू रहेगा, यहाँ पर देखिए डिटेल ए जो लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर एक बीम इधर से आ रहा है और एक बीम इधर से आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चारों बीम एक साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसका जूम करके दिखाया गया, ये भी टॉप व्यू ही है, इसका टॉप व्यू यहाँ पर दे रहा है। जब हम इसको साइड से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका नाम यहाँ पर दिया गया होगा मोनोरेल बीम, ये जो है नीचे वाला ये मोनोरेल बीम है, यहाँ पर कुछ एक चैन ब्लॉक आता है जो इधर से उधर उधर से इधर आप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, तो वो मोनोरेल में फिटिंग रहता है। यहाँ पर मोनोरेल का ये बीम है जो है एक हैंगिंग रहेगा सिर्फ नीचे में, ये इसमें से इसमें सभी बीम को पहले लगा देना है और लास्ट में आपको ये वाला बीम जो है इसमें हैंगिंग करना है, नीचे साइड में एक बीम रहेगा मोनोरेल के लिए, बीम जो है हैंगिंग किया जाएगा वहाँ पर, यानी कि एक बीम सिर्फ नीचे लटका हुआ रहेगा। एक चैन ब्लॉक आता है जो चैन सिस्टम से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो इसमें बीम एक हैंगिंग रहेगा, देखिए इसीलिए यहाँ पर इतना दूर बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर आकर के एक स्टॉपर लगा हुआ रहता है ताकि एक बाहर ना निकल जाए पूरा, तो किसी भी चीज़ को उठा करके बाहर अगर निकालना है इस रैक से तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, उसके लिए यहाँ पर एक बीम लगेगा जो कि इस बीम के नीचे लटका हुआ रहेगा। ये जो बीम लगा हुआ है BE209 के नीचे BE211 बीम नीचे लटका हुआ रहेगा, तो इस तरीक़ा से ड्राइंग को देखना है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर इसमें मंकी लेडर लगा हुआ है, देख सकते हैं, तो उसको भी आप फैब्रिकेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हम मंकी लेडर जो है कैसे फैब्रिकेशन करते हैं, इसके ऊपर मैं 3D एनिमेशन में वीडियो बनाया हुआ, वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर इसका साइड व्यू दे रहा है कि यहाँ पर ऐसे ले जा करके एंगल ऐसे जुड़ना है यहाँ पर जब फिटिंग होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है FF, यानी कि देखिए यहाँ पर F लिखा गया है, यहाँ पर F लिखा गया है, तो जहाँ पर जा करके इस बीम में जब ये जुड़ेगा तो इस तरीक़े से एंगल जा करके U बन करके इसमें जुड़ेगा, यू बन करके उसमें जा करके एंगल में यहाँ पर जो सी चैनल आप खड़ा वहाँ पर जुड़ेगा, वहाँ पर एक स्टिफनर लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं सी चैनल, तो वो सी चैनल में जा करके इस तरीके से ये जुड़ रहा है। इसका पूरा डिटेल ड्राइंग भी आपको मिलेगा इसी फैब्रिकेशन ड्राइंग में,
कैसे इसको हम फैब्रिकेशन करेंगे उसके लिए आपको सर्च मारना होगा CLG 200, किस तरीक़े से हमें फैब्रिकेशन करना है। देख सकते हैं ये उसका फैब्रिकेशन ड्राइंग है, किस तरीके से हमें फैब्रिकेशन करना है। ये हमें फ्रंट व्यू दिखा रहा है, अगर हमें साइड से देखना है तो ये साइड व्यू दिखा रहा है। एंगल ऐसे जा करके ऐसे मुड़ेगा, कितने का एंगल लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पर सब कुछ डायमेंशन दिया रहेगा, कितने कितने दूरी पर रॉड लगाना है। देख सकते हैं एक एक रॉड जो लगता है इस तरीके से, और इसमें जो यहाँ पर जो राउंडिंग ऐसे एक घेरा रहेगा जो 50 mm प्लेट का रहता है, देखिए ऐसे राउंड करके आपको लगाना है। सेक्शन सी यहाँ पर दे रहा है, सेक्शन सी जो है देखिए यहाँ पर डी है, ये रहा यहाँ पर देखिए नीचे में दिया गया है सेक्शन सी, ये सेक्शन सी का हो गया व्यू, और सेक्शन जो डी है वो अलग रहेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये सेक्शन डी है तो ये थोड़ा सा ऐसे सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, और सेक्शन जो सी है ऐसे आ करके और ऐसे पूरा राउंड गोल हो रहा है, ये डी टाइप का बन रहा है और ये वाला जो है पूरा राउंडिंग टाइप का बन रहा है, तो अलग अलग डिजाइन में है। इसका डायमेंशन जो है ऊपर में आकर के थोड़ा सा जहाँ पे चौड़ा हो जाता है वहीं पर सिर्फ दो पीस रहेगा, ये वाला और एक ये वाला। तो ये इस तरीका से आपको फैब्रिकेशन करना है। P49 दिया गया है उसका नंबर, जब आप प्लेट यूज करेंगे जब P49 प्लेट देखेंगे किस चीज़ का है, तो यहाँ पर वो सारा कुछ यहाँ पर दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर P49 प्लेट है, 50 mm का प्लेट है। इस तरीका से आपको लेंथ ले लेना है 2 meter 138 mm, और इसको राउंडिंग आपको घुमाना है, कितने दूरी पर से इसको बैंड करना है वो भी डायमेंशन दिया गया है, और रेडियस कितने दूरी पर रखना है वो भी डायमेंशन सब कुछ दिया गया है। राउंड लेआउट मार्किंग करके और उसी पर इसको हैमर से या फिर हाइड्रोलिक मशीन में राउंड करके वहाँ पर आपको फैब्रिकेशन करना पड़ता है। इस तरीका से आपको ये ड्राइंग देखना है। तो फिर से यहाँ पर देखिए बेस प्लेट का व्यू यहाँ पर दिखा रहा है, कुछ डायमेंशन वगैरह यहाँ पर ये पूरा टॉप का दिखा रहा है, यहाँ पर पूरा बेस प्लेट का दिखा रहा है, दोनों एक हिस्सा दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 13 meter का ये हाइट का एलिवेशन है, और ये जो दिखा रहा है 8 meter 100 एलिवेशन का ये व्यू दिखा रहा है, देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर प्लेटफॉर्म बन रहा है ये वहाँ का ये डिजाइन है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जाली लगेगा, ग्रेटिंग जो जाली लगेगा GR208 का यहाँ पर डायमेंशन का एक जाली लगेगा, फिर यहाँ पर GR205 डायमेंशन का जाली लगेगा, इतना ये खुला जगह रहेगा, इतना जो जगह है इसमें कोई जाली नहीं है, सिर्फ इधर इधर जाली है जहाँ जहाँ पर ये नंबर लिखा गया है, देख सकते हैं। शायद यहाँ पर भी जाली नहीं रहेगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भी खुला जगह, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है, आपको एंट्री इधर से होना है और इधर से आना है, इधर से नहीं एंट्री होना है, शायद इससे कुछ पाइप वगैरह रहेगा और इसमें कुछ भेसेल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा। वैसे ही यहाँ पर आएंगे तो एक जाली यहाँ पर रहेगा, एक जाली यहाँ पर रहेगा, ये सब में जाली रहेगा, यहाँ पर जाली नहीं रहेगा, यहाँ पर भी जाली नहीं रहेगा, और इसमें गोलाई वाले में भी जाली नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको ये सब जाली लगाना है, यहाँ बाहर बाहर में जहाँ जहाँ पर नंबर लिखा गया है सब जगह पर ग्रेटिंग जाली रहेगा। तो किस तरीके का जाली रहेगा, तो देखिए ये उसी जाली का यहाँ पर ये डिजाइन दिया गया है, देख सकते हैं ये इस तरीके से थोड़ा सा कट करके जाली बनाया गया है, इसका डायमेंशन दे दिया गया है कि इतने इतने डायमेंशन का आपको जाली जो है कटिंग करना है, 1 meter 30 by 950 का जाली कटना है। वैसे ही सबका अलग अलग ड्राइंग है, सबका अलग अलग साइज है, नंबर दिया गया है, ग्रेटिंग जाली जो लगाना है इतने इतने डायमेंशन में काट करके आपको वहाँ पर लगाना है, इसका थिकनेस जो रहेगा 25 mm रहेगा, लेकिन ग्रेटिंग पर लगेगा। यहाँ पर आपको ग्रुप काटना है, देख सकते हैं ऐसा ग्रुप यहाँ पर बना हुआ रहेगा 150 by 78 का, यहाँ पर आपको ग्रुप बनाना है। तो जैसा अगर ग्रुप दिया है तो ग्रुप, सिंपल दिया है तो सिंपल बनाना है। और यहाँ पर जो सीढ़ी था, सीढ़ी पर भी जो जाली लगेगा उसका नंबर दिया गया है, कितने कितने डायमेंशन का जाली लगेगा, यानी कि ग्रेटिंग जाली से यहाँ पर सीढ़ी बनेगा। तो इसी तरीके से आपको इस लाइन को फैब्रिकेशन करना है और इरेक्शन करना है और कॉलम नंबर देखना है। तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे।